नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही काम की वीडियो है। इस वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यह जानकारी 99% लोगों को नहीं मालूम है। ऐसा जानकारी अभी तक किसी यूट्यूबर भाई ने नहीं बताया है। इस टॉपिक की वीडियो YouTube पर हमने सर्च किया लेकिन नहीं मिला, इसलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा। इस वीडियो में जानेंगे उलट बैग में कैसे कुंडी डाला जाता है और न्यू कुंडी का प्राइस क्या है, बिना रिपेयर किए कैसे बैग ठीक किया जाएगा, कौन से बैग के लिए कौन से साइज का कुंडी लगेगा। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बैग कस्टमर का बैग है। यह कस्टमर भाई कहीं बनने के लिए बैग को दिए थे, तो यह बैग जो है सीधे जिप का बैग है, लेकिन इस बैग में उलट जिप के कुंडी को डाल दिया गया है, इसलिए यह चैन अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा है। इस कुंडी को बाहर निकालते हैं और इस बैग को ठीक करते हैं। कुंडी को निकालने के लिए जिप के अंतिम छोर पर पहुंचा करके इसे निकालेंगे। यह देखिए, कुंडी आसानी से निकल गया। यह जो कुंडी हमने निकाला है, यह है उलट कुंडी। क्या इस कुंडी को आप देख करके पहचान गए हैं कि यह उलट कुंडी है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे इस कुंडी के बारे में जिक्र करते हैं, उससे पहले इस बैग को रिपेयर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कुंडी कई तरह के हैं। जो कुंडी इस बैग में लगेगा उसको निकालते हैं। कुंडी हमने निकाल लिया है, अब इसको लगाते हैं। जहाँ से हम कुंडी डालेंगे वहाँ देखिए काफ़ी रेशे निकले हुए हैं। इसको कैंची की सहायता से काट करके साफ़ कर लेंगे, या तो आप गैस लाइटर की सहायता से भी इसको जला करके कम कर सकते हैं, ताकि कुंडी आसानी से चला जाए। यह साफ़ हो गया है, अब कुंडी को डालते हैं। पहले कुंडी में एक तरफ जिप को डालेंगे, इसके बाद दूसरे साइड भी इसी तरीके से डाल करके इसे अंदर तरफ प्रेस करेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ा सा और दबाव बनाएंगे, उसके बाद यह आसानी से चला जाएगा। दोस्तों, देखिए यह कितना आसानी से कुंडी चला गया। इस तरह हम अपने ख़राब बैग को ठीक कर सकते हैं। अगर कभी बैग आधा बंद होता है आधा नहीं बंद होता है, तो क्या कारण होता है? धूल मिट्टी के कारण यह कहीं बंद हो जाता है कहीं खुल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, चाहे तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं या मशीन का तेल डाल सकते हैं, तो आसानी से यह काम करने लगेगा। बिना रिपेयर करे इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ से हमने कुंडी निकाला था उस जगह को लॉक कर देंगे, ताकि जो कुंडी हम लगाए हुए हैं दोबारा कुंडी न निकले। तो लॉक करने के लिए सुई धागा लेंगे और इसे लॉक करेंगे। धागे को सुई में दो परत डालेंगे, ताकि मोटा रहे और समय बच सके, आसानी से इसको लॉक कर सकें। कोशिश करें जिस कलर का बैग है उसी कलर के धागे से लॉक करें। यहाँ यह बात जान लीजिए, जिस तरह सीधे जिप के चैन में कुंडी लगाया जाता है, उसी प्रकार उलट चैन का भी कुंडी लगाया जाता है। यहाँ देखिए, हाथ में हमारे दो कुंडी है, एक है सीधा कुंडी और एक है उलट कुंडी। इस कुंडी में देखिए नीचे से ऊपर तरफ दीवार की तरह बना हुआ है, यह उलट कुंडी है, इसलिए ऐसे बना है। यह सीधा कुंडी है, इसमें देख रहे हैं कुंडी में दीवार जो है नीचे तरफ झुका हुआ है। यहाँ देखिए दो कुंडियाँ आपके सामने रखा हुआ है, बाएं साइड का उलट कुंडी है और दाएं साइड का सीधा कुंडी है। इस बैग में उलट कुंडी और जिप लगा हुआ है। यह कुंडी 8 नंबर का है, इसमें देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है। अगर जब भी बैग आप बनाना शुरू करें तो उसमें देख लें, दूसरा जो भी कुंडी लगा हुआ है उसमें ज़रूर नंबर लिखा रहता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपका कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक का कारण बताएंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।